असलकुम नाजरीन कराम नई वीडियो में आपको ख़ुश आमदीद कहते हैं बहुत ज़बरदस्त कल मनाजिर देखे गए इमरान ख़ान पर सुर्ख लाइन लगाने वाले इमरान खान का नाम तक लेने की पाबंदी लगाने वाले आज छुपते फिरते हैं और इमरान ख़ान का नाम गिलगित से लेकर कराची तक पूरी कौम ले रही है इस इसम्बलीओं में गूंज रहा है मीडिया पर गूँज रहा है आलमी जरिदों में गूंज रहा है यहाँ तक के आलमी एवानों में गूँज रहा है नजनकराम ये आप दस्खत देखें ये अमरीकी अहदेदार हैं आवाम के इकतीस नुमाइंदों ने जो बाइडन को खत लिखा है कि पाकिस्तान के इंतबा तब तक तस्लीम ना किए जाएं जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो जाती सेटिसफेक्ट्री इंक्वायरी नहीं हो जाती जो धांधली के दावे किए गए हैं और धांधली के क्रेडिबल सबूत मौजूद हैं इंडिपेंडेंट इदारों ने ऑब्जर्वर्स ने धांधली के हवाले से खुल के बात की है और सब कुछ बताया है इमरान खान का डंका पूरी दुनिया में बाजरा है और जो इमरान खान पर रेड लाइन लगा बैठे थे उनका अंजाम मैं आपको आज बता देता हूं जिन्होंने इमरान खान पर रेड लाइन लगाई थी वो बहुत जल्द रिटायर होकर गुमनामी की जिंदगी गुजारेंगे पर्दे के पीछे से शायद कुछ मजीद साजिशों का हिस्सा बने लेकिन अपनी आवाम को अपनी औलाद को कहेंगे कि बैरून मुल्क में पढ़ो वहीं बिजनेस करो ये ना बताना कि हम तुम्हारी औलाद हैं वरना पूरी दुनिया में जलील हो गए इनकी औलाद मुंह छुपाती फिरेगी और अपने वाले का तारफ करवाने से शर्माएगी ये मैं आपको आज बता रहा हूं ये मेरी पेशन गोई याद रखिएगा जो हाल हो चुका है पिछले वाले का उसकी औलाद नाम नहीं लेती अपने वालिद का गुमनामी सरकार खुद भी गुमनाम उसकी औलाद भी गुमनाम नस्लें बर्बाद कर दी पाकिस्तान से गद्दारी करके और मौजूदा दौर के जो फ्राइन हैं इनका भी यही अंजाम होगा दूसरी तरफ इमरान खान है आज भी कौम का हीरो है और रहती दुनिया तक वो इस कौम का कम अज कम हीरो रहेगा इस कौम ने उसको ताहयात अपना लीडर तस्लीम कर लिया है कल उस बोने के असेंबली में आने के वक्त जो नारे लगे ये सुने फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी औकात क्या है नादिन इकराम ये तीन बार वजीर अजम रह चुका है लेकिन इसका इकतदार का लालच खत्म नहीं हुआ और मांगे तांगे की सीट एक खातून जो जेल में बैठी जीत गई है उसकी सीट पर कब्जा करके ये शख्स आ गया है इसम्बली में दूसरी तरफ इसी को मानसेरा की सीट इलेक्शन में गुस्ताब खान ने जो हराया है उसका नोटिफिकेशन आया है ये जो मानसेरा की सीट के लिए ठप्पे लगा रहे थे लक्ष्मी चौक में और पकड़े गए उसके बाद वो प्लान वढ़ गया अब नोटिफिकेशन आ गया इलेक्शन कमीशन का और नवाज शरीफ पच्चीस हजार की लीड से हारा है लाहौर में इससे बड़ी लीड से हार रहा था कि अचानक 10-15 फीसद पोलिंग स्टेशन में उसको एक लाख वोट दिलवाया गया वरना नवाज शरीफ सत्तर अस्सी हजार की लीड से हार रहा था तो मांगे तांगे की सीट पर जमात का लीडर आके बैठा है तो उस जमात की हैसियत क्या होगी औकात क्या होगी दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक अनयूजल डिवेलपमेंट हुई ये खबर भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना और नैब केस में जो तोषा खाना का नैब का केस है उसके साथ साइफर की मेन अपीलों को समात के लिए मुकर कर लिया है यह अब मेन अपीलें सुनी जा रही हैं ये अनयूजअल है अमूमन हाई कोर्ट में मेन अपीलें फौर नहीं आती ये अनयूजअल है आमिर फारूक क्या करेगा मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ की लेकिन मेन अपीलें जब लग जाएं तो प्रोसिक्यूशन डिले तो करवा सकती है जो उन्होंने कल करवाया भी और अब पांच मार्च की तारीख मुकर हुई है लेकिन ज्यादा से ज्यादा छ आठ हफ्तों में मेन अपीलों का फैसला हो सकता है यानी अगर इमरान खान के फेवर में फैसला आता है ये नहीं कि रिमांड बैक कर रहे हैं हम केस को ये भी हो जाता है कई दफा के रिमांड बैक कर देते हैं केस को रिमांड बैक का ये मतलब होता है कि फिर निचली अदालतों में केस दोबारा चलेगा फिर कोई जज दिलावर होगा जज जुलकर नैन होगा फिर कोई जज बशीर होगा तो उमर फारूक अमूमन यही करते आए हैं इमरान खान के केसेस में कि के वापस भेज देता है लेकिन सात मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी हैं दूसरे केस में दूसरे जज साहब भी होंगे अगर मेरिट पे अपील सुन ली जाती है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूशन ऑफ ट्रायल ही होता है तो इसमें यह होगा कि इमरान खान की सज़ाएं ना सिर्फ ख़त्म होंगी बल्कि फैसले भी कलदम करार दे दिए जाएंगे इमरान खान बाइजत बरी हो सकते हैं यहाँ पे मेन अपीलें सुनना इस इस क़दर सिग्निफिकेंट है अगर इन दो केसों में इमरान खान बाहर निकल आते हैं तो बाकी भी जो ड्रामा केसेस बनाएंगे उनमें भी सजा देना आसान नहीं रहेगा हाँ ये लॉलीपॉप हो सकता है जो मैं आपको आ, मुसलसल बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ साफ को यही कहा जा रहा है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा सारे लोग बाहर आ जाएंगे इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे तो आप ये सब सिस्टम कबूल कर लें देखते हैं आठ छह महीनों में ये जो ट्रिब्यूनल वगैरह है इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा आपकी सीटें वापस मिल जाएंगी तो आप हुकूमत बना लेना लेकिन सेटअप को चलने दें सिस्टम को चलने दें मुल्क बार बार इलेक्शन का मुतहमल नहीं हो सकता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं माशी तौर पर तो ये लॉलीपॉप भी हो सकता है लेकिन ये हमें अगले चार छः हफ्तों में पता चल जाएगा क्योंकि इस टाइम मनसूबा साजों का एक ही मनसूबा है कि पूरे निजाम पर कब्जा करना है अपना चेयरमैन सैनिट अपना सदर अपना वजीर अपना वजीर आलम सब कुछ पर कब्जा करके एंड में रह जाएगा केपी के वहां लगा लो गवर्नर राज अगर थोड़ी सी चूचा पीटीआई ने की इस टाइम पूरे निजाम पर कब्जा करने का खौफ है खाब है तहरीके इंसाफ के पास जाहिर है कि खेलने के लिए बहुत ज्यादा ग्राउंड आ गया है क्योंकि आवाम की सपोर्ट का इतना बड़ा इजहार हुआ है कि बंद कमरों में जो बैठे इमरान खान पे सुर्ख लकीरें लगा रहे थे इमरान खान ने उन्हें चैलेंज दिया था कि मैं सुर्ख लकीर तुम्हें मिटा के दिखाऊंगा और सुर्ख लकीर पता क्या लगी थी तरीके साहब को पच्चीस से तीस सीटें देनी है इसे ज़्यादा नहीं अवाम ने चीर के वो रेड लाइन मिटा के दिखाई ऐसा अवाम ने इज़हार किया अपने वोट का अपनी ताकत का कि रेड लाइन अब दोबारा लगाने वाले भी सोचेंगे कि हमने ये क्या गलती की थी अपनी आवाम के मुकाबले में खड़े हो गए थे रेड लाइन लगाना हमारे बस की बात नहीं है हमारी औकात से बहुत बड़ी चीज थी जो हम कर बैठे थे तो रेड लाइन तो मिट चुकी है रेड लाइन लगाने वालों की औकात नहीं थी इमरान खान जैसी बे वो रेड लाइन लगा सकते रेड लाइन तो अल्लाह की जात ही लगा सकती है किसी पर जैसे नवाज शरीफ पर रेड लाइन लगी है अवाम ने लगाई है अवाम ने वोट ना देकर ऐसी रेड लाइन लगाई है कि वजीर अजम की जो एक लकीर होती है हाथ में हालांकि वो पहले तीन मरतबा वजी अजम बन चुका है मगर वो लाइन आपने मिटा दी है आपने वो रेड लाइन लगाई है नवाज शरीफ पर कि वो वजीर अजम नहीं बन सकता यही रेड लाइन आपने बाकी जमातों पर भी लगा दी है लेकिन उनको थोड़े से वेंटिलेटर्स लग गए हैं ये वेंटिलेटर लगाने वालों पर भी आपने रेड लाइन लगा दी है और इनकी ताकत मुसलसल कम होते होते बिलाखिर आपके सामने सरनगु होंगे सरेंडर करेंगे कल जो इसम्बली में मनाजिर थे आ, पंजाब में भी यही होने चाहिए थे और इमरान खान ने काफी इजहार नाराजगी किया जो इतला आई कि क्यों पंजाब में तुमने कलेजा चबाने वाली खातून को एक फ्री ओपन ग्राउंड दिया आप वाकआउट कर गए वो बड़े मज़े से तकरीर कर रही थी और इमरान खान की तकरीर को ही कॉपी कर रही थी अच्छा इनको मशवरा दिया गया इनके हैंडलर्स की जानब से नून लीग को पीपल्स पार्टी को एम क्यू एम को इवन फजलरहमान को और बाकी जमातों को कि जो इमरान खान का नेरेटिव है आप भी वही लेकर चलें जो इमरान खान ने फैसले किए हैं हकूमत में रहते हुए आप भी सारा कुछ वही करें जिस तरह जिस तरफ इमरान खान का फोकस था वही करें ताकि लोग आपकी तरफ मुतवजे हों यानी यह तस्लीमकार बैठे हैं बंद कमरों में कि साढ़े तीन साल कमाल की हकूमत की है इमरान खान ने अवामी मफाद के फैसले किए हैं और नंबर दो नैरेटिव भी इमरान खान का है जो चलना चाहिए ये मान गए हैं ये मैं आपको खबर बता रहा हूं कि इनको इनके हैंडलर्स ने बताया कि आपने कॉपी करना है इमरान खान को हंड्रेड परसेंट इस हद हाँ तक इमरान खान कामयाब रहा है और साढ़े तीन साल अगर ये रोकते ना और हमारे बाजवा साहब ना होते तो एहत भी उसने पूरा करना था और उसने मुल्क को भी सीधे रस्ते पर डाल देना था लेकिन बाजवा साहब की दूसरी तरफ क्योंकि डील हो गई थी इस वजह से वो रोड़े अटकाते रहे और इमरान खान को पूरा काम नहीं करने दिया लेकिन वो बंदा जेल से बैठकर इस मुल्क का नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है जो रेड लाइनें लगाते थे जो उसके नाम तक लेने पर पाबंदी लगा चुके थे उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें लोगों की जुबानों पर और आंखों में उनके लिए सिर्फ नफरत है और यह नफरत वो नहीं मिटा सकते सिर्फ एक शख्स मिटा सकता है जिस दिन ये उस शख्स को सल्यूट करेंगे इनकी इज्जत में इजाफा होगा क्या अल्लाह ने इज्जत दिया वैसे इमरान खान को जो अपने आप को मुल्क का मालिक समझते हैं जो जमीनी खुदा बन बैठे हैं वो इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद जब उसे सल्यूट करेंगे तो आवाम उनकी इज्जत करेगी क्या बात है इमरान खान को सल्यूट करने वाले की भी इज्जत इमरान खान की जूती कॉपी करके पहन लेने वाले की भी इज्जत इमरान खान का पोस्टर उठा लेने वाले की भी इज्जत इमरान खान का चेहरे पे मास्क पहन लेने वाले की इज्जत इमरान खान के नाम की शर्ट पहन लेने वाले की इज्जत इमरान खान के नाम का गाना गाने वाला मलकू कैदी नंबर आठ सौ चार उसकी भी इज्जत बन गई तो अल्लाह ने यह मकाम दिया इमरान खान को जो अल्लाह मकाम देता है वो आप छीन नहीं सकते मुझे बचपन में किसी बुजुर्ग ने कहा था कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उससे लड़ाई मत करना तो इमरान ख़ान को अल्लाह इज्जत दे रहा है तो उससे लड़ने वालों को समझ आ जानी चाहिए कि आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है कब्ज़ा करके हुकूमत पर बैठे रहेंगे तो मजीद कितना अरसा अपनी आवाम के ख़िलाफ़ जोर लगाएंगे पहले माशा जब भी लगता था तो अवाम की रज़ामंदी होती थी बहुत कम ऐसा माशा लगा है कि अवाम उसके खिलाफ कोई बात करते कुछ सियासी जमातें होती थी थोड़े बहुत मुजाहरे होते थे मार धाड़ तो होती थी लेकिन ख़त्म हो जाता था वामी सतह पर कभी भी मारशाला की ऐसी रिजेक्शन नहीं हुई जैसे अब है। तो ये कब तक चलेगा मारशाला आप लोग हार चुके हैं और शिकस्त आपका मुकदर है आप आखिरी सांसों पर है बेहतर है कि खुद पीछे हटकर अवाम की नज़र में कुछ इज्जत बचा लें वरना वो दुर्गत बनेगी कि हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा तो नादिन कराम आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा